हेलो एवरीवन, इन द लास्ट वीडियो हमने पावर इन एसी सर्किट डिराइव किया है, जिसे हमें फॉर्मूला मिला है कि पावर एवरेजेस ईआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, जहां ईआरएमएस आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ होती है और आईआरएमएस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इन दोनों के प्रोडक्ट टर्म को हम अपेरेंट पावर कहते हैं और सिर्फ कॉस फाई को पावर फैक्टर, तो दोनों के मल्टीप्लिकेशन को हम पावर एवरेज। हमने ये भी देखा है कि ईआरएमएस जो होता है वो ई नॉट बाय रूट टू, मतलब पीक वैल्यू होती है, ई नॉट बाय रूट टू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू देता है, सिमिलरली फॉर द करंट। इस वीडियो में हम स्पेशल केसेस देखेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे व्हेन एसी इज अलाउड टू पास थ्रू आर, तब क्या होगा। तो आईआरएमएस ईआरएमएस मतलब पावर, अपेरेंट पावर में तो कोई फर्क नहीं आना है, अगर कुछ फर्क आना है तो सिर्फ पावर फैक्टर पे, क्योंकि फाई चेंज होता है, करेक्ट। सो व्हेन एसी इज अलाउड टू पास थ्रू आर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि देयर इज अ नो फेज चेंज, यानी फाई इज जीरो, इट्स अ कांस्टेंट फेज चेंज, एंड कॉस फाई इज नथिंग बट वन। So what will be the power average? It is nothing but ERMS, IRMS means the maximum power you will get in the case when AC is allowed to pass through R. Suppose now AC is allowed to pass through L and C. अब मैंने चाहे इंडक्टर की बात कही हो चाहे कैपेसिटर की बात कही हो, इन दोनों ही केसेस में हमने देखा था कि आइदर द करंट इज लैगिंग बिहाइंड बाय 90 डिग्री और द करंट इज अहेड बाय 90 डिग्री, यानी दोनों ही केसेस में जो फेस चेंज था वो 90 डिग्री का था। चाहे इंडक्टर का हम कहें तो पीडी अहेड था और कैपेसिटर की बात कहें तो पीडी लैगिंग बिहाइंड था, यानी ईएमएफ लैगिंग बिहाइंड था। दोनों ही केसेस में फाई 90 डिग्री है, इसका मतलब कॉस 90 इज जीरो, सो पावर कंजम्पशन इज जीरो। So this is how three cases are over, कि when it is passed through R, when it is passed through L and C. तो जब अलग अलग AC के हम conditions देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि maximum power consumption होता है when it is allowed to pass through resistor only. अब मैंने आपको combinations बताए हैं, जब मैंने आपको combinations बताए हैं तो आपको याद होगा मैं सबसे पहले combination की बात कर रही हूँ, that is CR. आपको याद है CR combination? CR का मतलब होता है कि कैपेसिटर रहता है और साथ ही हमारे पास रेजिस्टर रहता है। तो रेजिस्टर के समय हमने VR और I बनाया था और हमारा जो लैगिंग बिहाइंड था, दैट लैगिंग बिहाइंड इज VC, करंट से लैगिंग होता था और रिजल्टेंट हमें किसने दिया था, V ने दिया था, जिसे हम इम्पीडेंस या E कहते हैं, करेक्ट। वो हमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये जो हमारा V हमको मिला था वो कितना मिला था, रूट ओवर वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर, करेक्ट, दिस वी हैव गॉट इट। और अगर हम कहें कि यहां हमारा एंगल फाई था एंड आई हैव टू फाइंड कॉस फाई, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये फेजर जो हमने सीआर में पढ़ा है अगर वहां से मैं कॉस फाई निकालना चाहूं तो इट इज बेस बाय हाइपो, क्योंकि फाई हमने यहां बनाया था, रिजल्टेंट इज मेकिंग विथ वन ऑफ द वेक्टर। तो कॉस फाई जो निकलता है सीआर में वो निकलता है आर बाय इम्पीडेंस, एंड दैट इज व्हाट, नथिंग बट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, अगर आपको याद होगा तो। और नहीं तो हम इसमें वैल्यू पुट अप कर दें तो ये होगा आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर बाय वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर ये कॉस फाई आपका पावर फैक्टर है तो इसमें जब अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ई आर एम एस आई आर एम एस और साथ में आर बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, देन दिस इज नथिंग बट पावर एवरेज इन योर सी आर सर्किट। थोड़ा कंपेरेटिव स्टडी करिए आप इस चैप्टर को। कंपेरेटिव मतलब अगर मैंने सीआर में ये बनाया है तो आपको याद होगा एलआर में यही वीसी ऊपर बन जाता था और उसे हम वीएल कह देते थे। तो अगर मैं वहां फाई की वैल्यू निकालना चाहूं तो जैसे आर बाय इम्पीडेंस यहां है तो वहां पे भी तो वही होगा। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिखूं अगर कि पावर एवरेज इन योर एलआर सर्किट, कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूं मैं, ईआरएमएस वही रहेगा, आईआरएमएस वही रहेगा, आर भी रहेगा क्योंकि एल आर में आर रहता है, होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस
तो अगर आप कंपेरेटिव स्टडी करते हैं तो 1/ω² x² जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस था उसकी जगह आ जाएगा क्या, ω² L² जिसे हम XL भी कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इस चीज की क्लैरिटी आपको ज्यादा हो इसके लिए आप प्लीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्लेलिस्ट में जाके अल्टरनेटिंग करंट के वीडियोस देखिए, जिसमें एसी थ्रू एल, एसी थ्रू आर, एसी थ्रू सी एंड मैंने कॉम्बिनेशन सीआर, एलआर और एलसीआर किया है। अगर आप इसी तरीके से लास्ट जो हमारा कॉम्बी है एलसीआर के लिए निकालना चाहें LCR, तो फिर बताइए अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि उसमें क्या होता था, इम्पीडेंस आर स्क्वायर होता था प्लस ओमेगा और एल और 1/ωC इस दोनों के जगह पर होता था XL माइनस XC यानी ERMS IRMS R होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस XL की जगह लिख सकते हैं हम ओमेगा एल और XC की जगह 1/ωC दा होल स्क्वायर। सो दिस इज हाउ एक कंपेरेटिव स्टडी से हमने सबका पावर देख लिया, पावर इन सीआर जो फेजर से निकलते हैं कॉस फाई आपको लेकिन शो करने की जरूरत नहीं है, इट्स बेटर इफ यू विल बाय हार्ट बिकॉज आपके बाय हार्ट करने से आपके यूज होते हैं ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल। दिस मच वी हैव टू डू अबाउट पावर इन एसी सर्किट, बट उससे भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज नोन एज वॉटलेस एंड वॉटफुल करेंट। इसमें बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं इसलिए बहुत ध्यान से इस टॉपिक को आप समझिएगा। वॉटलेस एंड वॉटफुल करंट जो होता है वो करंट का एक कंपोनेंट है, और वॉटफुल का मतलब फुल ऑफ पावर बिकॉज वॉट इज अ यूनिट ऑफ पावर, वॉटलेस का मतलब पावर कंजम्पशन है ही नहीं, पावर एवरेज इज जीरो सो इट इज वॉटलेस, और अगर मैक्सिमम पावर कंजम्पशन है तो इट इज वॉटफुल। सो सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन, मैं क्या बोलना चाह रही हूं, करंट का वो कंपोनेंट जिसके लिए एवरेज पावर इन द सर्किट इज कंज्यूम्ड, मींस यू आर हैविंग द एवरेज पावर इन द सर्किट, दैट करंट कंपोनेंट इज नोन एज वॉटफुल। द करंट कंपोनेंट फॉर विच द एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज मैक्सिमम, एंड इफ सपोज आई एम सेइंग द करंट कंपोनेंट फॉर विच द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज जीरो देन इट इज वॉटलेस। तो बार बार एक मैं वर्ड को इंडिकेट कर रही हूं करंट कंपोनेंट। तो चलिए अब जो चीज हम जानते हैं पहले हम उसे देखते हैं डायग्रामेटिकली। हमारी ये एक्स एक्सिस में है जिसमें हम आईवी का मतलब आईआरएमएस करंट इंडिकेट कर रहे हैं, और जो ईवी है वो फेज एंगल फाई के साथ जो है इस तरफ है, यानी कौन आगे चल रहा है, ईवी इज अहेड ऑफ आई बाय एन एंगल ऑफ फाई। अब इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम करंट के दो कंपोनेंट जो है वो करंट के दो कंपोनेंट करेंगे। तो एक कंपोनेंट जो करंट का होगा, अगर ये हमारा एक्स एक्सिस में करंट है तो एक कंपोनेंट किस तरफ जाएगा, बेस कहां ले जाएंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहां फाई, सो दिस इज योर आईवी कॉस फाई, बेस की तरफ आपका फाई वाला कंपोनेंट होगा, और जो एक हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे उसके अगेंस्ट वो हो जाएगा आईवी साइन फाई। आई होप एकदम क्लियर है डायग्राम आपको। तो आईवी के मैंने दो कंपोनेंट बना दिए हैं। अब मैंने कहा करंट का वो कंपोनेंट, यानी मुझे पूरा करंट कंपोनेंट लेना है, ये इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चे बस यही कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए अब मैं करंट कंपोनेंट की बात करती हूँ आईवी कॉस फाई। इफ मैं इस पर्टिकुलर करंट कंपोनेंट की बात करूं तो पावर एवरेज क्या होता है, आईवी ईवी कॉस फाई, दिस इज अवर जनरल फॉर्मूला। ये कॉस फाई आप डिस्टर्ब मत करिए, ओके हमको सिर्फ ईवी आईवी के बीच के एंगल को अगर देखना है तो हमें ये फाई देखना पड़ता है, फिलहाल आप इसे डिस्टर्ब मत करिए। अब आप देखिए ईवी की जगह मैं करंट कंपोनेंट लूंगी तो पावर एवरेज ले लेती हूं कितना, ईवी कॉस फाई और सॉरी आईवी कॉस फाई इसका करंट कंपोनेंट और ईवी एज इट इज है। अब बताइए इन दोनों के बीच में क्या एंगल है, ये जो दोनों हमारे वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ईवी कॉस फाई और एक आईवी कॉस फाई और एक वेक्टर है ईवी, तो इन दोनों के बीच में तो सेम डायरेक्शन है, मतलब एंगल इज जीरो, तो ये फाई यहां जीरो होगा, करेक्ट। तो आपका पावर कंजम्पशन क्या बना, ईवी आईवी कॉस फाई। सो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन जब सर्किट में हो रहा है तो करंट कंपोनेंट हमें आईवी कॉस फाई लेना है, तो ये कहलाता है हमारा वॉटफुल करंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखिए बिल्कुल दूसरी बात मैं कहूंगी, मेरा कंपोनेंट है आईवी साइन फाई, मेरे पावर एवरेज का फॉर्मूला है ईवी आईवी कॉस फाई,
है ना। अब मैंने ईवी तो एज इट इज लिखा है, आईवी की जगह उसका कंपोनेंट लिया है आईवी साइन फाइ और कॉस फाइ एज इट इज है, अभी मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों के बीच के एंगल को स्टडी करूंगी, तो आईवी साइन फाइ आईवी साइन फाइ और ईवी इन दोनों के बीच में आपस कितना है 90 डिग्री है, तो नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ईवी आईवी साइन फाइ एज इट इज है कॉस के साथ 90 हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा फेज डिफरेंस है। जैसे हमने यहाँ 0 डिग्री पुट अप किया था, तो ये 90 है, कॉस 90 होता है 0, सो पावर कंजम्पशन इज, तो कौन सा करंट कंपोनेंट वॉटलेस है, वॉटलेस करंट कंपोनेंट इज आईवी साइन फाइ, कौन सा करंट कंपोनेंट वॉटफुल है, दैट इज आईवी कॉस फाइ। सो विद दिस टॉपिक आवर कंप्लीट पावर इन एसी सर्किट, ये मैंने दो वीडियो में कंप्लीट किया है, एक की पावर इन एसी सर्किट का डेरिवेशन क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और आज के दूसरे वीडियो में हमने उसमें डिफरेंट केसेस एंड वॉटलेस वॉटफुल किया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इफ एनी डाउट यू कैन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।